पूरा होता रहेगा। पैदा भी होते हम एक दिन, लेकिन पता नहीं होता जीवन में क्या होगा। लेकिन जिस दिन एसलीपीएस में इंसान पैदा होता है, उसको पता होता है कि पहले लेवल पे क्या होगा और 18 लेवल पे क्या होगा। तो सबसे पहले आप सभी डायमंड्स एंड अबव लीडर्स, सभी रॉयल एम्बेसडर, एम्बेसडर क्राउन डायमंड, रॉयल डायमंड, ब्लैक डायमंड, ब्लू डायमंड, डायमंड स्टार, सफायर, सफायर, रूबी स्टार, टॉपाज, एमराल्ड, प्लेटिनियम, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, और सबसे ज्यादा बधाई के पात्र वो लोग हैं जो हमारे साथ आए पर हमारे साथ काम नहीं किया। कोई बात नहीं, लेकिन आए तो सही, आए तो सही, उन्होंने हम पे भरोसा तो किया। तो आज मैं हिंदुस्तान के हर उस व्यक्ति को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बहुत बहुत थैंक्स कहता हूं जिन्होंने वेबसाइट खोल के हमारी साइट भी देखी है, वो भी बधाई का पात्र है। वो सब लोग जिन्होंने हमारे प्रोडक्ट यूज किए, सिर्फ प्रोडक्ट, एक दिन भी काम नहीं किया, उन्हें भी आज मैं दिल से बधाई देता हूं कि आपने हमारे कम से कम प्रोडक्ट पे पूछा तो किया। उन सबको बधाई देता हूं जो हमारे सेमिनार में आए और हमारे भीड़ का हिस्सा बने, कम से कम हमारे लोगों को सुन के तो गए। तो आज मैं तो कहता हूं इस देश का हर वो नागरिक को मैं बधाई देता हूं जो एडब्ल्यूपीएल को जानता है। आप सबका पूरे हिंदुस्तान के आज फाइटर्स ने जगह जगह चश्म मनाया। दोस्तों 15 साल का मेरा कैरियर है, बहुत कंपनियां मैंने देखी हैं, बहुत अचीवमेंट भी देखी है, पर मैंने ऐसा माहौल, ऐसा जश्न और ऐसे लोग आज तक नहीं देखे। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता और आज तो हम ज्यादा बात करेंगे नहीं क्योंकि कल हम बात करेंगे, आज तो जश्न का दिन है, लेकिन मैं हिंदुस्तान के हर फाइटर को या हर फ्रेशर को एक मैसेज देना चाहूंगा कि आज फेसबुक खोल के देखो कि सच्चाई की जीत होती है नहीं। शायद दुनिया की नंबर वन कंपनी एप्पल और अमेज़न का भी जन्मदिन लोगों ने इस तरह कभी नहीं मनाया जिस तरह आज एडब्ल्यूपीएल का जन्मदिन मनाया, जिस तरह आज एसलीपीएस का लोगों ने प्यार दिखाया। मैं रात को फेसबुक पे था, 11 बजे, 11:30 बजे कुछ ने तो जन्मदिन 12 बजे से पहले शुरू कर दिया। ये आपका समर्पण है, ये आपका प्यार है, ये आपकी मोहब्बत है। आज कदम दर कदम हम बढ़ते चले गए। अभी मैं स्कूल में आया, मुझे पहली एनिवर्सरी याद आ गई। दोस्त पहली एनिवर्सरी पे तो 200 लोग थे, 200 डायमंड थे। जब मैंने यह 200 डायमंड देखे, मेरा दिल, मैं क्या बताऊं कैसे अभिभूत हो गया, भावुक हो गया मैं कि आज क्या दिन मैं देख रहा हूं। और ये तो शुरुआत है, एक दिन 2000 डायमंड और 2,00,000 डायमंड के साथ ये मैं आपसे वादा करता हूं। आपकी मोहब्बत, आपका प्यार काबिले तारीफ है। दोस्तों मैंने जिंदगी में आज तक कभी भी ये नहीं सोचा कि मेरे फाइटर के किसी के भी घर कोई तकलीफ रहे। मैं हर तकलीफ में आपका साथ खड़ा होना चाहता हूं, आपका साथ देना चाहता हूं, क्योंकि ये मैं नहीं देता, ये आपकी मोहब्बत मुझे मजबूर करती है। कमाए होंगे दौलत लोगों ने, कमा लेंगे लोग पैसा, लेकिन जो मोहब्बत हमारे फाइटर्स ने और हमने और हमारी कंपनी ने कमाई है, ये साला कोई माइक का लाल इस कलयुग में कमा के दिखा दिया। इसके पीछे एक ही कारण है, आप लोगों की इंसानियत, आप लोगों की ईमानदारी, आप लोगों की कर्मठता था और आप लोगों की अच्छी सोच, अच्छी नीयत। आज एडब्ल्यूपीएल के बारे में बाजार में कहा जाता है कि भाई यार तेरा लीडर तो तोड़ लू लेकिन टीम ही नहीं आएगी। आखिर तुम्हारी वो कंपनी को इतना प्यार क्यों करते हैं? क्योंकि मैंने कहा एक बार फिर हमने कंपनी नहीं मंदिर बनाया, इसलिए लोग प्यार करते हैं। हमने हर व्यक्ति के सुख में दुख में साथ खड़े हुए हैं।
हमने ये नहीं सोचा इसका क्या रैंक है, ये कौन लीडर है। हमारे लीडर, हमारे फाइटर आज इतनी मेहनत करते हैं। कुछ लोगों का अहम है, कुछ लोगों को वहम है, मैंने कर दिया, कोई कहता है इसने कर दिया। अरे हम सब ने कर दिया, एक एक बच्चे बच्चे ने, फ्रेशर से लेकर सब ने, हम सब ने कर दिया। हम सब ने, हम सबका सहयोग है, हम सबका समर्पण है। जो कंपनी का चौकीदार है ना, उसने भी इस कंपनी को 8 साल में ब्रांड बनाने में मेहनत की है। किसी एक व्यक्ति से कभी कंपनी ब्रांड नहीं बनती, हजारों लाखों लोगों का समर्पण होता है, लाखों लोगों की मेहनत होती है। और ये क्रेडिट मैं हिंदुस्तान के उस हर शख्स को देता हूं जो आज AWPL में काम करता है। थैंक यू सो मच माय डियर फाइटर्स, फ्रेंड्स, और जितने भी लोग हिंदुस्तान में देख रहे हैं उनसे माफी भी चाहूंगा कि मैं फिजिकली आपके साथ नहीं हूं, पर यहां से मैं आपके साथ ही हूं। और मैं ये चाहूंगा कि अगली डायमंड एनिवर्सरी में अगले 9 साल के नवाब बनेंगे। 9 साल के नवाब, जब हम 9 के नवाब बने तो कम से कम ज्यादा नहीं तो 400 डायमंड के साथ बने। तैयार हैं दोस्तों? आज के सम्राट तो हम हैं ही, 9 के नवाब भी होंगे। और एक दिन मैं आपसे वादा करता हूं, वादा, संजीव कुमार का वादा, पूरे वर्ल्ड के आप लोग सम्राट होंगे। डायरेक्ट सलीम पूरे वर्ल्ड के। और अगली साल भगवान का, परमात्मा की कृपा रही तो ये माइक जब पकड़ूंगा इसी तारीख को, जब कहीं ना कहीं कंपनी इंटरनेशनल लॉन्च कर चुका हूं, मैं आपसे वादा करता संजीव, अगली साल से इंटरनेशनल ब्रांड बनना शुरू करेंगे। 2023 के बाद कंट्री दर कंट्री काम करेंगे। और जाओ यहां से, एक चीज और बता देता हूं, रूल क्या है, अगर यहां के आपके प्लान में 100 करोड़ है, अगर कंपनी नेपाल में शुरू होगी तो फिर अगले 100 करोड़ है ना, ये टीम गिनी जाती ना ये पैसे गिने जाते। तो अगर कोई आदमी 10 कंट्री में ब्रांड एम्बेसडर बन गया तो 1000 करोड़ का मालिक अगर दुनिया में कोई कंपनी पैदा करेगा, अगर 1000 करोड़ का लीडर दुनिया में कोई कंपनी पैदा करेगी, उस कंपनी का नाम होगा AWPL। तैयारी मस्त रखो, तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारा प्यार, मेरा रोम रोम, कण कण, पसीना, खून, नींद, भूख, प्यास, इस जीवन में जब तक मेरी आखिरी सांस रहेगी आपके लिए नौछावर। और किसी को देखना है ना पूरे हिंदुस्तान की डार्क सेलिंग को, तो 2023 में देखना, 2023 में कि संजीव कुमार जलवा क्या करता है। और एक वादा और करता हूं, जिसका भी धंधा इधर उधर हो रहा है, बस ये आखिरी बात, जिसको लगता है कमजोर है, January 1 आने दे। January 1 23 की और January 24 की मेरा डायमंड लीडर कमजोर नहीं पड़ेगा, ये मैं वादा करूं। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे मुझे उसके नीचे अपनी औलाद की जॉइनिंग डालनी पड़े, मेरा डायमंड कमजोर नहीं है। सबके चेक पढ़ाऊंगा, कैसे पढ़ाऊंगा छोड़ दो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। फिर मैं कैसे, किन शब्दों में बयां करूं, कैसे धन्यवाद दूं, मैं धन्यवाद देता हूं माता पिता को, भाई जिनके आप बच्चे हो, और मैं धन्यवाद देता हूं परमात्मा को जिन्होंने मुझे आप जैसे अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका दिया। और कंपनियां बड़ी कब बनती है मालूम है? हाँ, लोग बड़े बनते हैं, और जो कंपनियां सुनों पे काम करती है, जो इथिक्स पे काम करती है, जो एटिकेट्स पे काम करती है, जो सख्त फैसले ले सकती है, वही कंपनी।
कंपनियां लालच के लिए चलती हैं, जो कंपनियां पैसे के लिए चलती हैं, टर्नओवर के लिए चलती हैं, जो कंपनियां कॉम्प्रोमाइज करती हैं, वो कभी बड़ी नहीं बनती। कंपनी वही बड़ी बनेगी, संस्था वही बड़ी होगी जिसमें डिसिप्लिन होगा, जहां सख्त फैसले होंगे। अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान को हरा सकता है तो आर्मी की ताकत है, क्योंकि वहां फैसले सख्त लिए जाते हैं। आज तक हमारे सख्त फैसलों के कारण है कि आज हम सब लोग यहां हैं। हम सब लोग यहां हैं क्यों? क्योंकि आज हम हर फाइटर के हक में सही निर्णय लेते हैं, गलत निर्णय नहीं लेते। तो जाओ तैयारी करो। आज ऐलान करता हूं, हिंदुस्तान तो तकरीबन जीत सही है, अब दुनिया जीतने की बात करेंगे। अब हर एनिवर्सरी में दुनिया जीतने की बात करेंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूं। और आज एक बहुत बड़े सिंगर मिलन गावा आए हुए हैं। आप बिजनेस नहीं करना आज की रात, और कोई बिजनेस की बात नहीं करेगा आज की रात, कोई बिजनेस की बात नहीं करेगा। सर अपलाइन को साइड में ले जाओ, सर मेरे बिजनेस में ये हो रहा है। आज नहीं, आज की रात अपने आप को दो। आप डायमंड बने हो, आपने आग के सम्राट तक इस संस्था को पहुंचाया है, बहुत मेहनत करते हो 30 के 30 दिन। मुझे पता है मेरे लीडर बाहर रहते हैं यार, मैं देखता हूँ सबकी फेसबुक देखता हूँ, सबका रूट देखता हूँ, कौन कहाँ जा रहा है। जो बड़े बड़े लीडर है 30 के 30 दिन बाहर रहते हैं, ऐसा समर्पण मुझे तो नहीं लगता कि 10 जन्म में भी मैं देख पाऊंगा। तो फिर बहुत भाग लिए, मेहनत कर ली, आज की रात खुद को दो। आज की रात मत पूछना प्लान से सर क्या अगले प्लान क्या, कल पूछेंगे। आज की रात एंजॉय की नाइट है। आज एक पंजाबी सिंगर सुपर एक सिंगर मिलन गावा बुलाए गए, क्योंकि पंजाबी में डांस थोड़ा बढ़िया होता है, पंजाबी सिंगर थोड़ा बढ़िया मजा मानता है। और जो भी चीजें आपके एंटरटेनमेंट के लिए हैं, यहाँ पर शायद स्टेज भी बनाया है डीजे नाचने के लिए, लेकिन आज नाच होगा, गाना होगा, हंगामा होगा।